एक बार की बात है, मुंबई जैसे बड़े शहर में अनामिका ग्रेजुएशन कर रही थी और वो मुंबई में अपनी मौसी के यहाँ रहा करती थी। अनामिका की छोटी बहन भी थी जिसने सिर्फ 12th ही पास की थी और अब उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन अनामिका के पास उसकी माँ का फोन आता है। अनामिका बिटिया, तू आ रही है ना? देख, तेरी बहन की शादी है, अब मैं तेरे कोई बहाने नहीं सुनूंगी। और हाँ, पूरे एक हफ्ते के लिए आना। मम्मी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप श्वेता की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसे पढ़ने दीजिए ना। देख बिटिया, तुझे तो पढ़ने का शौक है, इसलिए तू अपने माँ बाप, अपना गांव, अपनी बहन, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी दूर हमसे अपनी पढ़ाई पूरी करने गई। तू तो जानती ही है कि उसे पढ़ने का कहाँ शौक है, इसलिए हमने सोचा समय रहते उसके हाथ पीले कर दें। ठीक है मम्मी, आपकी मर्जी, मैं तो आ ही जाऊंगी, लेकिन मौसी नहीं आ पाएंगी। और कुछ समय बाद अनामिका फोन रख देती है और सो जाती है। अगले दिन अनामिका कॉलेज जाती है और कॉलेज जाकर अपने दोस्तों को बताती है कि वो गांव जा रही है, और वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। अनामिका यार, मैंने सुना है कि गांव की शादियां बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। हमने तो कभी गांव की शादियां देखी ही नहीं, क्योंकि हम तो कभी शहर से बाहर ही नहीं निकले। तो अब देख लेते हैं, अनामिका तो अपने गांव जा ही रही है, हम भी अनामिका के साथ चलते हैं। अनामिका, तू हमें अपने साथ अपनी बहन की शादी में लेकर तो चलेगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि तुम सब मेरे साथ मेरे गांव चलोगे। अनामिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसके शहर के दोस्त भी उसके साथ गांव जाएंगे। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं। कुछ समय बाद नेहा अपनी कार लेकर आती है। हम तो ट्रेन से जाने वाले थे ना, फिर तू कार क्यों लेकर आई है? अरे यार, मेरी और संजना की टिकट नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा कि हम सब एक साथ कार से ही चलते हैं। और तुम सबको तो पता ही है कि मेरी ड्राइविंग कितनी ज्यादा अच्छी है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। और उसके बाद वो सब कार में बैठ जाते हैं। अनामिका अपने गांव का मैप लगा देती है और उसके बाद सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। सड़क पर गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि तभी नेहा जोर से ब्रेक लगाती है। नेहा, यह तूने क्या किया, इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाए? अरे यार, सफेद साड़ी पहने हुए अभी मुझे एक औरत नजर आई थी, बस उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगा दिए, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गई। नेहा, हमें तो कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत नजर नहीं आई, मुझे लगता है तुझे नींद आ रही है। संजना, ड्राइविंग तुझे भी तो आती है, मुझे लगता है नेहा को नींद आ रही है, तो इसलिए गाड़ी तो तुझे ही चलानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ था, शायद मेरा वहम था, चलो चलते हैं। और उसके बाद नेहा दोबारा से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। कुछ दूर चलने के बाद सड़क किनारे एक बहुत ही ज्यादा घना और डरावना जंगल आता है, जहाँ से जानवरों के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर सभी थोड़ी सी डर जाती हैं और नेहा गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा देती है कि तभी अचानक गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है और नेहा के सर में चोट आती है और वो सब कार से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि नेहा को नींद आ रही है, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। देखा क्या हो गया, कार पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अब हम कैसे जाएंगे? दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा और ऊपर से यह जंगल इतना डरावना, जानवरों की आवाज, ऐसा भयानक जंगल में ना से पहले कभी नहीं देखा, और यह जानवर ये इंसानों को चुटकियों में चट कर जाते हैं। एक तो मुझे इतनी ज्यादा चोट आई है और तुम सब मिलकर मुझे ही बातें सुना रहे हो। अरे यार, वो सफेद साड़ी पहनी हुई औरत मुझे दोबारा से नजर आई थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया।
और कुछ समय बाद आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगती है और तूफान आने लगता है। पेड़ आपस में टकरा रहे थे जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। सब बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और तूफान के साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। वह चारों भागते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उन्हें जंगल में एक रोशनी आती हुई नजर आती है। अनामिका सामने देखो, मुझे लगता है वहाँ घर या झोपड़ी है। बारिश तो रुकेगी नहीं, चलो वहीं चलते हैं। क्या पता हमें कोई मदद ही मिल जाए और फिर सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है? और उसके बाद वो सभी बारिश में भीगते हुए जहाँ से उन्हें रोशनी आती हुई नजर आती है वहाँ जाती हैं। और वो वहाँ जाकर देखती हैं तो वहाँ कोई घर या झोपड़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कूल था। स्कूल से ही वो रोशनी आ रही थी। इतने बड़े स्कूल को जंगल के बीचों बीच देखकर वो सभी थोड़ी हैरान होती हैं और वो सब स्कूल के अंदर चली जाती हैं। और जैसे ही स्कूल में वो कदम रखती हैं चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ये है क्या? इस स्कूल में कदम रखते ही अंधेरा क्यों हो गया? और पहले जोर जोर से रोने की आवाज और अब हंसने की आवाज। इस स्कूल में कोई है? कोई है यहाँ? देखो बाहर बारिश बहुत हो रही है और हमें सर छुपाने के लिए छत चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कोई है यहाँ? कोई है? और तभी लालटेन लेकर एक बूढ़ी औरत आती हैं जो बहुत ही ज्यादा उम्र की थी। उन्हें देखकर वो सभी थोड़ी सी डर जाती हैं क्योंकि वो दिखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना इजाजत के स्कूल में कदम रखने की? अम्मा जी हम मुसीबत में हैं, इसलिए बिना परमिशन के स्कूल में आ गए, हमें माफ कर दीजिए। अम्मा जी क्या हम इस स्कूल में सुबह होने तक का इंतजार कर सकते हैं? कृपया करके मना मत कीजिए। ठीक है, तुम सुबह होने तक यहाँ रुक सकती हो, लेकिन यहाँ की किसी चीज को हाथ मत लगाना। लाइट अभी चली गई है, कुछ समय बाद आ जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ एक बात बताना तो भूल ही गई, स्कूल में बिल्कुल भी शोर मत करना क्योंकि मुझे शांति पसंद है। और ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती हैं। वो सब एक क्लास में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद उन्हें नींद भी आ जाती है। दोबारा से स्कूल में जोर जोर से रोने की आवाज आती है। संजना प्रीति नेहा देखो दोबारा से स्कूल में जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है, तुम सुन रही हो ना? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ इस तरह से कौन रो रहा है? और देखो अब हंसने की आवाज आ रही है। यह है क्या? अभी यहाँ से कौन गया? अनामिका उन तीनों को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो तीनों तो घोड़े बेचकर सो रही थी। अनामिका की एक नहीं सुनती और उसके बाद अनामिका को स्कूल में एक साया नजर आता है। अनामिका तुरंत क्लास से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे जाती है और वो पीछा करते हुए ग्राउंड में पहुंच जाती है। ग्राउंड में एक पीपल का पेड़ था और उस पर एक झूला था। झूले पर नेहा बैठी हुई थी और वो झूल रही थी और किसी से बात भी कर रही थी। यह देखकर अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा यहाँ झूले पर झूल रही है, लेकिन मैं तो उसे क्लास में सोते हुए छोड़ कर आई हूँ। वो तो प्रीति और संजना के साथ सो रही थी, अचानक यहाँ झूले पर आकर और ये किससे बात कर रही है? अब नेहा को क्या हुआ? यह रोने क्यों लगी? नेहा नेहा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? अनामिका
थोड़ी और आगे जाती है और नेहा की तरफ देखती है तो नेहा की आंखें लाल खतरनाक चमक रही थी और वो जोर जोर से रो रही थी। नेहा को इस तरह से रोता हुआ देखकर, उसकी इतनी ज्यादा डरावनी आंखों को देखकर अनामिका थर थर कांपने लगती है। नेहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? देखो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और ये तुम्हारे आंसू खून की तरह क्यों बह रहे हैं? नेहा तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे दोस्त नेहा हो? नेहा नेहा तुम्हें क्या हुआ है? तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जा अपने दोस्तों के पास जा। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चली जा, वरना बेमौत मारी जाएगी। देखो ना महारानी, ये लड़की जाने का नाम ही नहीं ले रही, हमें डिस्टर्ब कर रही है। जा यहाँ से जा। और इतना कहकर नेहा दोबारा से जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका उल्टे पैरों वहां से भागकर क्लास में आ जाती है और वो वहां आकर देखती है तो नेहा अभी भी क्लास में सो रही थी। यह देखकर अनामिका का सर चकरा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। संजना, प्रीति, नेहा जल्दी उठो, हमें यहाँ एक मिनट और नहीं रुकना। इस स्कूल में भूत है, इस स्कूल में आत्माएं भटकती है। जल्दी चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना है। तुम तीनों उठ क्यों नहीं रही हो? जल्दी उठो। अनामिका तीनों को बहुत उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। और उसके बाद अनामिका को दोबारा से रोने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर अनामिका डर जाती है और फिर उसे एक साया नजर आता है। वो डरते हुए बाहर जाती है और बाहर जाकर जो कुछ अपनी आंखों से देखती है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजना, अभी तो तुम वहाँ क्लास में सो रही थी और अब यहाँ, और तुम हवा में कैसे लटकी हुई हो? संजना तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। संजना क्या हुआ? तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से, चली जा वरना मारी जाएगी। और ऐसा कहकर संजना दोबारा से रोने लगती है। यह देखकर अनामिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है, कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। और वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रीति थी और वो भी जोर जोर से रो रही थी। यह देखकर अनामिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। प्रीति, तुम भी संजना और नेहा की तरह, आखिर तुम तीनों को हो क्या गया है? और तुम्हारे साथ यह सब किसने किया? कब और कैसे? कहा? प्रीति, यह सब क्या हो रहा है? मैंने मना किया था इस स्कूल में शोर मत करना, मुझे शांति पसंद है, लेकिन फिर भी तुमने शोर किया, क्यों? अम्मा जी, आपको नजर नहीं आ रहा, मेरी एक दोस्त हवा में लटकी हुई है और दूसरी, और यह दोनों कितना जोर जोर से रो रही हैं। इनकी आंखों से खून निकल रहा है, आंखें कितनी ज्यादा डरावनी लग रही हैं। आपको यह दोनों नजर नहीं आ रही? और आपको पता है मेरी तीसरी दोस्त बाहर पीपल के पेड़ के झूले पर झूल रही है और उसकी भी यही हालत है। तुम पागल तो नहीं हो? मुझे तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही और ना ही मुझे कोई नजर आ रहा है जिसकी आंखों से खून बह रहा हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? और मुझे यह बताओ, जब तुम स्कूल में आई थी तो अकेली थी, तुम्हारे साथ कोई नहीं था? यह सुनकर अनामिका के होश उड़ जाते हैं। अम्मा जी, यह आप क्या कह रही है? नेहा ने ही तो आपसे स्कूल में रुकने की परमिशन मांगी थी और संजना उसका हाथ पकड़कर आप उसे क्लास में लेकर गई थी और प्रीति उसे प्यास लगी थी, आपने उसे पानी पिलाया था और अब आप कह रही हैं कि आपने मेरे दोस्तों को देखा ही नहीं। यह स्कूल है या फिर भूत बंगला? आखिर यहाँ हो क्या रहा है?
तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनूंगी। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे स्कूल से, मुझे नींद आ रही है। और इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अनामिका को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल देती है। और जैसे ही अनामिका स्कूल से बाहर आती है तो उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था। यह देखकर अनामिका और भी ज्यादा डर जाती है और वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक औरत मिलती है। आंटी जी, आप मुझे बता सकती हैं स्कूल के पास खतरे का निशान क्यों बना हुआ है? अरे बिटिया, वो स्कूल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस स्कूल को रोता हुआ स्कूल कहते हैं। उस स्कूल की लंबी कहानी है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ आसपास एक आत्मा भटकती है, वो इंसानों के सामने आती है, जिसे वो नजर आती है उसे अपना शिकार बना लेती है। और ठीक 12 बजे इस स्कूल से जोर जोर से रोने की आवाज आती है और फिर हंसने की आवाज आती है। जो आवाज पहली बार सुनता है, समझो वो रोते हुए स्कूल का शिकार हो गया और वो स्कूल के अंदर हमेशा इसी तरह रोता रहता है। नेहा को सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत नजर आती है। प्रीति और संजना ने मुझे बताया था कि उन्हें रोने की और हंसने की आवाज आ रही है। इसका मतलब वो तीनों मर चुकी हैं और वो रोते हुए स्कूल में एक आत्मा बनकर भटक रही है। यह क्या हो गया? वो तीनों मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। वो तो एंजॉय करने के लिए गांव जा रही थी, मेरी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरी वजह से। बिटिया चलो जल्दी चलते हैं, दोबारा से रोते हुए स्कूल से रोने की और हंसने की आवाज आएगी, इससे पहले कि वो आवाज हमारे कानों में आए और हम उसका शिकार हो जाए। चलो चलते हैं यहाँ से। अनामिका बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है कि उसके दोस्त एक भूतिया रोते हुए स्कूल का शिकार हो गए और वो अपने गांव पहुंच जाती है। अनामिका शादी में इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है और वो उस हादसे को भी कभी नहीं भूलती।